आज हम बनाएंगे घिया के कोफ्ते। और उसके लिए मैंने ये एक पाव घिया को कद्दूकस कर लिया है, दो कटी हुई हरी मिर्च ली है, एक कटोरी बेसन, थोड़ी सी अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, धनिया, मिर्च और हल्दी। अब हम इसके लिए कोफ्ते का पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए बेसन को इसमें मिक्स करेंगे, ये सभी चीज़ें डाल के इसका पेस्ट तैयार करेंगे। जो अजवाइन है उसको लेके थोड़ा सा क्रश करेंगे। अब इस घोल को मिलाएंगे। अब हमारा पेस्ट तैयार हो गया है और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखने देंगे ताकि हमारे कोफ्ते सॉफ्ट बने। पेस्ट के लिए हमें चाहिए दो प्याज, इन्हें बारीक बारीक काट लेंगे, 5-6 लहसुन की कलियां, इनको भी बारीक काट लेंगे, 3 टमाटर और 3 हरी मिर्च, इनका मिक्सी में, टमाटर और हरी मिर्च का मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। अब हमारा तेल पक चुका है तो हम उसमें कोफ्ते बनाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है ताकि हमारे कोफ्ते ना जले। कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, तभी हमारे कोफ्ते अच्छे से बनेंगे, जलेंगे नहीं। इनको निकाल लीजिए, कितने सॉफ्ट बने हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं हमारे ये। डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, 4 ब्राउन हो चुके हैं तो अब इसमें डालेंगे टमाटर की पापड़ी। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, और उसको मिलाएंगे। मसाले पक चुके हैं लगभग, तो अब इसमें बेसन डालेंगे थोड़ा सा ताकि तरी जो है वो अच्छी बने, और इसको चलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। तरीके के लिए
पानी मिलाएंगे, क्योंकि बेसन पानी को सोख लेता है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डालेंगे और 4 मिनट तक इसको ढक कर रख देंगे। जो तरी तैयार हो गया है तो इसमें हम अपने कोफ्ते डालेंगे। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोफ्ते बनाएं तो एक तो तेल को मध्यम गरम रहने दें और दूसरा फ्लेम को मीडियम रखें। और अब इसको 4 या 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। कसूरी मेथी डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर अच्छा सा आए। इसको क्रश करके डालना है और फिर से इसको ढक देंगे 3 मिनट के लिए। ते बनकर तैयार हैं। आप चाहे तो इसमें अपने पसंद अनुसार हरा धनिया काट के डाल सकते हैं। बहुत अच्छे कोफ्ते हैं, देखो बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट कोफ्ते हैं। आप इसे अपने घर बनाइए और खाइए।